मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 3 सदस्यीय दल मुरवास पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें मृतक के परिजनों से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद उन्होंने सड़क पर धरना देना शुरू किया। तो पुलिस ने विदिशा विधायक शशांक भार्गव, पूर्व विधायक निशंक जैन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुभाष बोहत व करीब 3 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस वाहन के माध्यम से लटेरी रोड पर स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज खुली जेल में लाकर बंद कर दिया गया, जो अस्थायी जेल में करीब 2 घंटे तक बंद रहे। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।